आज की इस भागदौड़ भरी और पोल्यूटेड दुनिया में, जहाँ बाय द वे थकना मना है, कभी कभी मन नहीं करता कि ऐसी कोई जगह आप जा पाते जो शहर की गाड़ियों की हॉन्ग हॉन्ग और टॉक्सिक एनवायरनमेंट और कंटिन्यूस मोबाइल की रिंगिंग से दूर हो। मैं तो भैया दिल्ली में रहती हूँ, मेरे मन में तो सुबह उठते ही सबसे पहले यही ख्याल आता है। पर अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा एक ऐसा एस्केप एग्जिस्ट करता है तो मानेंगे आप? चलो मेरी बात नहीं मानेंगे तो अपनी आंखों से खुद ही देख लीजिए। क्या आप जानते हैं, बर्लिन से बस कुछ ही घंटों की दूरी पर एक जर्मन गांव ऐसा है जहां ना तो गाड़ियां चलती हैं, ना लोग यहां मोबाइल फोन्स यूज करते हैं। इनके घरों से लेकर इनका खाना सब कुछ ऑर्गेनिक और नेचर को ध्यान में रखकर बना है। गांव का नाम है फेल्डहाइम और ये कहलाता है द सेल्फ सफिशिएंट विलेज ऑफ यूरोप। फेल्डहाइम गांव बर्लिन से करीब 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर है। यहां की पॉपुलेशन है करीब 150 और यहां के लोगों को ना तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की चिंता है और ना ही पॉल्यूशन की, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है। फेल्डहाइम पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट है। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं की जाती, बल्कि सोलर पैनल से जनरेट की हुई इलेक्ट्रिसिटी ना सिर्फ इनके घरों को रोशन करती है, बल्कि लोग पानी भी इसी के थ्रू गर्म करते हैं। बट इट्स नॉट जस्ट एनर्जी एफिशिएंट, यहाँ पर खाए जाने वाले 70% फल और सब्जियाँ सेल्फ ग्रोन है, ऑल ऑर्गेनिक विदाउट द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। 150 लोगों के इस छोटे से गांव में कई ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से आकर सिर्फ यहां पर इसलिए रहने आते हैं ताकि वो इस सेल्फ सफिशिएंट विलेज और यहां की ऑर्गेनिक चीजों का एक्सपीरियंस ले सके, एंड दे कैन आल्सो एक्सपीरियंस व्हाट इट इज टू बी क्लोजर टू नेचर। हालांकि यहां पर काम शहर के मुकाबले कई गुना ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पर हर इंसान अपना काम खुद करता है। शहर की तरह यहां पर मशीन्स और रोबोट्स की मदद नहीं ली जाती है। ये गांव बना था कुछ 20 साल पहले और यहां की और भी कई खास बातें हैं। क्या आप जानते हैं, इस गांव में कोई भी मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल नहीं करता। एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए ये लोग सिर्फ लैंडलाइन फोन्स यूज करते हैं। इसके अलावा यहां आने पर आपको गांव के बाहर ही बने एक पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी छोड़नी होगी, क्योंकि यहां गाड़ियां भी अलाउड नहीं है। इनके घरों की दीवारों के बीच में भूसा भरा जाता है ताकि सर्दियों के मौसम में ये इन्हें गर्म रख सके। क्या आप जानते हैं, फेल्डहाइम जर्मनी का पहला सेल्फ सफिशिएंट विलेज है। वैसे अगर देखा जाए तो ये पर्टिकुलर गांव हमें सिखा रहा है कि आप कैसे लेस एनर्जी कंजम्पशन और नेचर को बिना हार्म पहुंचाए हार्मनी के साथ बिल्कुल घुल मिलकर जी सकते हैं। क्या आप जानते हैं, यहाँ के लोग प्योर वेजिटेरियंस हैं। यहाँ पर जानवर केवल पालतू दोस्तों की तरह रखे जाते हैं, उन्हें मारा नहीं जाता। और यहाँ पर जितना भी खाने पीने से जमा होने वाला वेस्ट मटेरियल है उसको फेंका नहीं जाता है, बल्कि बची हुई चीजों का खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ना केवल एक शॉप है, जिसे एक जनरल स्टोर भी कह सकते हैं, जिसमें जरूरत का सारा सामान मिलता है। हालांकि थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, क्योंकि वेंडर को ना शहर से बाहर जाकर सामान खरीदना पड़ता है। पर इसके अलावा यहाँ एक ऐसी शॉप भी है जो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्यों, कैसे? क्योंकि यहाँ पर लोग अपना वो सामान डोनेट कर सकते हैं जिनकी उन्हें अब जरूरत नहीं है, ताकि जरूरतमंद लोगों को इसका इस्तेमाल मिल सके। इसके अलावा यहाँ के ज्यादातर लोग गांव में ही खेतीबाड़ी और बाकी के और काम करके अपना गुजारा करते हैं, और इस तरह से गांव का पैसा गांव में ही रहता है। सबसे जरूरी बात, अगर आपको इस गांव का हिस्सा बनना है ना, तो यहाँ की एंट्री फीस है 12,000 यूरो, मतलब इंडियन रुपी में लगभग 10 लाख। बापरे, क्लोजनेस टू नेचर और मेंटल पीस तो चाहिए, पर इतना खर्चा तो हर इंसान नहीं कर सकता ना। पर हाँ, सस्टेनेबल लिविंग के बारे में सीख जरूर ले सकता है। चलिए, जर्मनी की तरफ कभी जाना हुआ तो इस गांव को देखकर जरूर आना। आई प्रॉमिस यू इट विल बी वर्थ इट। चलिए, अब मैं आपसे लेती हूँ विदा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।